बात भोपाल की कर रहे हैं, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के पूर्व एमएलए सुरेंद्र नाथ सिंह पर आरोप लगा है बेटी भारती ने, गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सुरेंद्र नाथ सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि उनकी बेटी भारती ने परिजनों से बचाने की गुहार लगाई है। तो बेटी ने आरोप लगाया, मेरे घर वाले मुझे प्रताड़ित करते हैं। वहीं उनकी बेटी भारती ने मौसी के लड़के सुशील पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो मानसिक स्थिति ठीक होने का भी उन्होंने दावा किया है, क्योंकि ये कहा गया था पहले कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा है कि मैं घर नहीं आना चाहती हूं। भारती ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है सुरेंद्र नाथ सिंह के खिलाफ, और साथ ही साथ पुलिस के खिलाफ भी याचिका है। तो एमएलए के बेटे से शादी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तो ऑडियो भी सामने आया है सुरेंद्र नाथ सिंह की बेटी का, पूर्व विधायक बीजेपी के, और हमेशा अपने बयान से सुर्खियों में रहते हैं, और अब उनकी बेटी ने एक बयान जारी किया है, ये आपको सुनवाते हैं। किसी भी क्रिश्चियन, मुस्लिम या कोई लोअर कास्ट के लड़के के साथ, किसी के साथ भी नहीं, मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, तो उसको कोई जाति का मुद्दा ना बनाया जाए प्लीज। मतलब मुझे चैन से जीने दिया जाए, मैं अपने घर से अपनी मर्जी से आई हूँ, प्लीज मुझे परेशान ना किया जाए। मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छे से रह रही हूँ, अपने घर वालों के साथ बहुत परेशानी में रह रही हूँ, रह रही थी, इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ अपने घर वापस जाना। मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और मैं मानसिक रूप से एकदम ठीक हूँ। ये सब मेरे घर वाले झूठा ब्लेम लगा रहे हैं, क्योंकि वो एक पोजिशन में है तो वो झूठे कागजात इकट्ठा कर सकते हैं, मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो जानबूझ के मुझे परेशान किया जा रहा है, सो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती बस। मैं किसी भी क्रिश्चियन, मुस्लिम या कोई लोअर कास्ट के लड़के के साथ, किसी के साथ भी नहीं, मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, तो उसको कोई जाति का मुद्दा ना बनाया जाए प्लीज। मतलब मुझे चैन से जीने दिया जाए, मैं अपने घर से अपनी मर्जी से आई हूँ, प्लीज मुझे परेशान ना किया जाए। मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छे से रह रही हूँ, अपने घर वालों के साथ बहुत परेशानी में रह रही हूँ, रह रही थी, इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ अपने घर वापस जाना। मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और मैं मानसिक रूप से एकदम ठीक हूँ। ये सब मेरे घर वाले झूठा ब्लेम लगा रहे हैं, क्योंकि वो एक पोजिशन में है तो वो झूठे कागजात इकट्ठा कर सकते हैं, मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो जानबूझ के मुझे परेशान किया जा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, बीजेपी के पूर्व दबंग एमएलए, उनकी बेटी जो कि अब घर पर नहीं है, और लगातार ये कहा जा रहा था कि वो कहीं चली गई हैं, और पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई थी, उनकी बेटी का एक वीडियो सामने आया है, मौसी के लड़के पर, पिता पर, परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश, the person you was, चलिए राकेश से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सुरेंद्र नाथ सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है, उनकी बेटी ने गंभीर आरोप लगाए, कहा है कि परिजनों से उसे बचाया जाए, उसके घर वाले उसे परेशान कर रहे हैं, जाति के आधार पर उसकी शादी किसी एमएलए के बेटे से करवाना चाहते हैं, और दो दिन से वो घर से गायब थी, और अब बताया जा रहा है कि एक वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में वो अपने परिवार वालों पर, मौसी के लड़के पर गंभीर आरोप लगा रही है। तो बड़ी खबर, वीडियो जारी करके यहां सुरेंद्र नाथ सिंह की बेटी भारती सिंह ने अपने ऊपर अत्याचार की बात कही है, घर वालों पर भी आरोप लगाया है। एक बार फिर से राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, भारती का एक वीडियो सामने आया, परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश, हमारी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल, साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जो भारती सिंह है उसका वीडियो वायरल हुआ है, और वीडियो में भारती है अपने परिवार पर, अपने पिता पर, अपनी मौसी के बेटे पर गंभीर आरोप लगा रही है। भारती अपील भी कर रही है कि उसे चैन से जीने दिया जाए। भारती ने ये भी कहा है कि वो किसी धर्म के
वर्ग विशेष धर्म के लड़के के साथ नहीं है। ऐसे में जाति का जो जो विवाद बना हुआ है, ऐसे किसी तरह से उसके विवाद में नहीं घसीटा जाए। उसने ये भी कहा है कि उसके पिता ने जो थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें भारती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई गई है, उसने कहा है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मेरी मानसिक स्थिति भी ठीक है, लेकिन जिस तरह का उनके पिता ने आरोप लगाया है पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मानसिक स्थिति उसकी पूरी तरह से ठीक है। और साफ तौर पर राकेश नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। सुरेंद्र सिंह सरकार और पुलिस के साथ मिलकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनकी बेटी का आरोप है। बीजेपी के पूर्व एमएलए सुरेंद्र नाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए वीडियो जारी करके उनकी बेटी ने।